नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोवेव। दोस्तों ये माइक्रोवेव डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन है। माइक्रोवेव डिवाइसेस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोवेव्स क्या है, वो कहाँ पर काम आती है, व्हाट आर द माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो दोस्तों सब हम यहाँ पर करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं दोस्तों, तो फाइनल ईयर की जो हमारी 2.5 यूनिट्स होती है इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 4th की, तो दोस्तों वो सारा हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोवेव डिवाइसेस। दोस्तों हमने लिख रखा है व्हाट आर द माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या है? माइक्रोवेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो ठीक है, बट कौन सी किस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है माइक्रोवेव्स? दोस्तों देख लेते हैं। माइक्रोवेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं विद द वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 100 सेंटीमीटर टू 1 mm। मतलब क्या है दोस्तों कि माइक्रोवेव्स ऐसी EMR है, माइक्रोवेव्स ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर से लेकर के 1 mm तक है। दोस्तों चलिए वेवलेंथ तो ठीक है, बट क्या आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पता है? देख लेते हैं। माइक्रोवेव्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है दोस्तों? 300 MHz से लेकर के 300 GHz तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस याद है क्या आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं भाई, देख लेते हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वेव्स होती हैं। कौन सी वेव्स? जिनमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं। EM रेडिएशंस रेफर्स टू द वेव ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेटिंग थ्रू स्पेस कैरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी। दोस्तों यहाँ पर एनर्जी का जीवा ही गुम हो गया है, देख लेते हैं। GY मतलब क्या है दोस्तों? कि EM रेडिएशंस वो वाली वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिनमें होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और जिनके पास कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी। अब दोस्तों आपने EM स्पेक्ट्रम तो पढ़ा होगा। अब EM रेडिएशंस जो है बहुत टाइप की होती है, और उसका जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम बोलते हैं EM रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम, यानी EM स्पेक्ट्रम। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये दिखाया है। अब EM रेडिएशंस काफ़ी टाइप्स की होती हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, और रेडियो वेव होती है। दोस्तों चलिए ये तो ठीक है, ये सारी होती है। तो क्या ये जो स्पेक्ट्रम है ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है इनका अवरोही आरोही क्रम है, क्या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, ये होता है हमारा EM स्पेक्ट्रम। EM स्पेक्ट्रम की बात करें तो जब भी हम रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ चलते हैं स्पेक्ट्रम में, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या है? बढ़ती है। यानी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपने पढ़ा होगा E=hμ, जितनी ज़्यादा म्यू उतनी ज़्यादा एनर्जी, तो दोस्तों उतनी ज़्यादा यहाँ पर रेडिएंट एनर्जी होगी। तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है। बट दोस्तों हमें पता है कि वेवलेंथ उल्टी होती है फ्रीक्वेंसी की। μ = c/λ मतलब क्या है दोस्तों? कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बढ़ेगी। मतलब क्या होगा? गामा रे से उधर जाए तो वेवलेंथ जो है बढ़ेगी, और रेडियो वेव से इधर आए तो वेवलेंथ जो है घटेगी। लेकिन दोस्तों ये क्या, हमने जितनी भी पढ़ी, जितने भी EMR में जो EMR पढ़ी, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ी, क्या वहाँ पर माइक्रोवेव आई? नहीं। तो फिर भाई आप तो कह रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उनके अंदर आती है माइक्रोवेव्स, तो ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा कि ठीक है माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर आती हैं, बट उनकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से 1 mm। अब दोस्तों इससे पहले एक चीज़ देख लीजिए आप कि जब भी हम इंफ्रारेड रेडिएशन से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं ना, तो ये जो इसकी वेवलेंथ होती है यहाँ पर, ये होती है
100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा वेवलेंथ हुई तो वो कौन सी EMR होगी, रेडियो वेव्स वाली। और दोस्तों अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 10 की पावर 9 हर्ट्ज, यानी जिसको हम बोलते हैं 1 गीगा हर्ट्ज। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ लिखा नहीं था, 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर 10 की पावर 9 हर्ट्ज और यहाँ पर होती है 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि इधर जाएंगे तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगी 10 सेंटीमीटर से आगे, मीटर वगैरह वगैरह वगैरह, ओके। और अगर इससे इधर जाए तो ये घटेगी। अब दोस्तों इसने कहा कि 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10 की पावर 9 हर्ट्ज, और ये है 10 की पावर 6 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो दोस्तों 300 और 300, मतलब 10 की पावर 9 से 10 की पावर 6 की रेंज में 10^6 एंड 10^9 की रेंज में ये रहेगी। कौन? हमारी माइक्रोवेव। तो मतलब दोस्तों यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे चले तो हमारा जो है माइक्रोवेव हमें मिल जाएगी इसी स्पेक्ट्रम के अंदर। और इसकी वेवलेंथ जो है कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से 1 mm तक। तो अगर इससे यहाँ पर लगभग ये जो स्पेक्ट्रम का हिस्सा होगा दोस्तों, ये जो हिस्सा होगा वो कौन सा होगा? हमारा माइक्रोवेव। मतलब क्या समझे हम दोस्तों? कि माइक्रोवेव जो है वो रेडियो वेव्स का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों समझ आ गया होगा आपको कि माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, इनका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। अब देखते हैं कि इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है दोस्तों आगे अपने पढ़ लेते हैं बेसिक ऑफ माइक्रोवेव डिवाइसेस। अब बेसिक ऑफ माइक्रोवेव डिवाइसेस में दोस्तों एक बात बताऊँ, सीक्रेट है। अगर मुझे ये MKH की वीडियो देखने से पहले पूछा जाता ना कि माइक्रोवेव्स क्या होती है, तो मेरा आंसर पता है क्या होता? कि ऐसी वेव्स जिनकी जो वेवलेंथ होती है ना वो माइक्रोमीटर रेंज की होती है ना, तो उन वेव को हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स। एक्चुअल में दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा। बेसिक ऑफ माइक्रोवेव्स क्या कहते हैं? कि माइक्रो वेव में जो माइक्रो वर्ड है इज नॉट मीन्ट टू सजेस्ट दैट द वेवलेंथ इन द माइक्रोमीटर रेंज। मतलब ये नहीं है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो माइक्रोमीटर रेंज की होती है, नहीं। हमने देख लिया वेवलेंथ किस रेंज की होती है, काफ़ी हाई होती है। किस रेंज की होती है दोस्तों? 100 सेंटीमीटर से 1 mm तक की होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रादर इट इंडिकेट्स दैट माइक्रोवेव आर स्मॉल। छोटी माइक्रोवेव्स छोटी होती है, स्मॉल? एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इसका कहने का मतलब आप समझिएगा, ये कहता है कि माइक्रोवेव्स आर स्मॉल, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ। अब शॉर्टर वेवलेंथ कैसे हो सकती है? पीछे देखो, पीछे हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने पढ़ा था कि जब भी हम स्पेक्ट्रम में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये तो सबसे क्या होता है कि वेवलेंथ बढ़ती जाती है। और हमने तो लास्ट में देखा था माइक्रोवेव्स लास्ट में पड़ती है, तो दोस्तों फिर माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ कम कैसे हो जाएगी? तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि रेडियो वेव्स के कंपैरेटिवली ये जो है इनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती है, क्योंकि रेडियो वेव्स तो क्या होती है दोस्तों? हमारी सबसे लास्ट में होती है ना, उनसे तो पहले ही होती है माइक्रोवेव्स। चलिए उसके बाद दोस्तों देखिए, पहले मेरी चश्मा नहीं थी, अब थोड़ा सा क्लियर हो गया, मुझे साफ साफ अच्छे से दिखाई दे रहा और पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है दोस्तों। मतलब मेरी लाइन ऑफ साइट क्लियर हो गई है। लाइन ऑफ साइट पता है क्या होती है दोस्तों? जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो मुझे इधर देखना है, मान लो इधर की कोई चीज़ है तो मुझे पूरा फेस टर्न करके देखना पड़ेगा इधर, और जब मुझे सामने देखना है तो बिल्कुल सामने फेस होना चाहिए मेरा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कि हमारी आँख के सामने जो हमें कुछ दिखाई दे रहा होता है, मतलब जो लाइन ऑफ साइट होती है आँख के बिल्कुल जहाँ भी हम देखते हैं, तो उस हमारी आँख और उस वस्तु के बीच में बिल्कुल सीधी लाइन खींचती है दोस्तों, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और दोस्तों जो माइक्रोवेव होती है ना वो लाइन ऑफ साइट में ट्रेवल करती है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी ट्रेवल करती है। सीधी ट्रेवल करती का मतलब क्या है? कि अगर उसके बीच में मान लो कोई पहाड़ी आ गई, अब मैं और कैमरे के बीच में अगर कोई पहाड़ी आ गई तो क्या कैमरा मुझे देख पाएगा? ये लो देख लो, नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि वो लाइन ऑफ साइट में अगर ट्रेवल करती है तो हिल आ गई तो उसे डिफ्रैक्ट होकर गई और चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और डिफ्रैक्ट हो जाएगी। माइक्रोवेव ट्रेवल्स इन लाइन ऑफ साइट।
मतलब क्या है दोस्तों कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। डू नॉट डिफ्रैक्ट अराउंड हिल्स, डिफ्रैक्ट का मतलब क्या है दोस्तों कि ऐसे नहीं है कि हिल्स के आजू बाजू से निकल के और फिर वापस सीधी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिफ्लेक्ट होके और है उड़ जाती है, फिर वो सीधी नहीं चलती है। चलिए उसके बाद है, इसका मतलब क्या है कि फॉलो द अर्थ सरफेस। दोस्तों यहाँ इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये है हमारी, मान लीजिए यहाँ पर बनाते हैं हम, ये है हमारी अर्थ और इसके ऊपर ऊपर दोस्तों होगा आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर क्या होता है ये आपका होमवर्क है, जाकर के गूगल बाबा पर सर्च करिएगा आइनोस्फेयर। दोस्तों आइनोस्फेयर जो है हमें बताइए कि एटमोस्फेयर की एक क्या है, लेयर है। चलिए अब क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ से हमने माइक्रोवेव डिवाइस को किसी टावर माइक्रोवेव्स को किसी टावर से छोड़ा, तो दोस्तों वो तो लाइन ऑफ साइट में चलती है, मतलब उसको तो सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसने क्या कहा है कि फॉलो द अर्थ सरफेस, मतलब वो कैसे चलती है, ऐसे चलती है। इसका कारण क्या होता है, इसको तो सीधी जानी चाहिए, तो इसका कारण होता है दोस्तों कि ये जो है वो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती है। आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती है का मतलब क्या है, जब भी इस टावर से हमने छोड़ी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, इधर जाएगी तो दोस्तों पहुँच गई ना यहाँ, मतलब कुल मिला के इसका पाथ लगभग ऐसा मान सकते हैं। तो हम कह देंगे कि ये जो है अर्थ सरफेस को फॉलो करती है या फिर आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये क्या हुआ, बारिश। दोस्तों जल्दी से पढ़ाई कर लीजिए, नेट स्लो होने वाला है, बारिश हो रही है, नेट स्लो होने वाला है, रेंज नहीं आएगी फिर आपके फ़ोन में। अब दोस्तों इस रेंज ना आने वाले चक्कर को आप समझ रहे हो कि रेंज क्यों नहीं आ रही, भाई सिंपल सी बात है। हमारा जो नेक्स्ट है वही पढ़ लीजिए ना आप, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि माइक्रोवेव्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। अगर बारिश आएगी तो एटमॉस्फेयर में जो है मॉइस्चर आ जाएगा और उससे माइक्रोवेव जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो दोस्तों क्या होगा, माइक्रोवेव्स हमारे तक पहुंच नहीं पाएगी। तो वही सेम है इसकी बेसिक क्या कि माइक्रोवेव्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एंड एटीन्यूएशन इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी, और हम जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी टावर वाले कितना भी बढ़ा ले, बारिश के बाद रेंज नहीं आने वाली। चलिए उसके बाद दोस्तों ये है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस बिगिन टू एब्जॉर्ब माइक्रोवेव्स अबाउट 40 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है दोस्तों कि माइक्रोवेव जो है वो 40 गीगाहर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी तक ही हम उसको ट्रेवल करा सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव डिवाइसेस को अगर उसका ट्रांसफ़र कराना चाहेंगे तो वो जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, उसको जो एटमॉस्फेरिक की गैसेस होती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सो अबव दिस फ्रीक्वेंसी, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, 40 गीगाहर्ट्ज से अबव की अगर फ्रीक्वेंसी लेंगे तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज लिमिटेड टू फ्यू किलोमीटर्स, क्योंकि कुछ किलोमीटर्स तक वो एब्जॉर्ब होती जाएगी और फाइनली पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो थोड़े बहुत किलोमीटर्स तक उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसकी करेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोवेव्स। चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है दोस्तों, मुख्य चार ही करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनमें से एक तो हम पढ़ ही लिए हैं दोस्तों। पहले इसकी प्रॉपर्टी है MW, ट्रेवल लाइन ऑफ साइट। MW क्या होती है दोस्तों, माइक्रोवेव्स होती है, माइक्रोवेव्स ट्रेवल लाइन ऑफ साइट। दोस्तों ये लाइन ऑफ साइट में ट्रेवल करती है, तो हमने पढ़ ही लिया। दोस्तों लाइन ऑफ साइट में ट्रेवल करती है तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक से क्या रिलेशन है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसका मतलब है कि जहाँ से सिग्नल निकल रहा है और जहाँ से सिग्नल पकड़ा जाएगा दोस्तों, वो एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, उनके बीच में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज मस्ट फेस ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, विदाउट एनी फिजिकल ऑब्स्टेकल, रुकावट नहीं होनी चाहिए, फॉर इफेक्टिव
कम्युनिकेशन। सो दोस्तों हमें समझ आ गया, लेकिन दोस्तों अगर हमने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक माइक्रोवेव्स को लेकर के जाना है तो हम वहाँ क्या करेंगे? तो दोस्तों सिंपल सी बात, वहाँ पर बहुत सारे एंटीनास लगा देंगे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू LOS। LOS क्या? लाइन ऑफ साइट। दोस्तों LOS इज पॉसिबल बाय इंस्टॉलिंग मैनी रिपीटर और रिले स्टेशन। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है कि अगर लाइन ऑफ साइट में ट्रेवल करता है तो आप क्या करिए, बहुत सारे रिले स्टेशंस लगा दीजिए, उनके थ्रू फिर ट्रांसमिशन करा लीजिए। दोस्तों देख लेते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड करेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं। MW नॉइस करेक्टरिस्टिक्स इन द माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज, माइक्रोवेव वाली फ्रिक्वेंसी रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस लेवल इज कंपैरेटिवली वेरी लो। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, नॉइस लेवल वेरी लो है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टरबेंस बहुत कम है, डिस्टरबेंस बहुत कम है। अब डिस्टरबेंस को किसी टाइप का हो नहीं रहा, मतलब अगर छोटा सा भी सिग्नल ऊपर या नीचे हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिग्नल में कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि विच अलाउज द सच रडार टू डिटेक्ट द टारगेट हैविंग वेरी लो सिग्नल। अब रडार जो, अगर रडार जो है माइक्रोवेव डिवाइस की तरह काम कर रही है, सॉरी एक्चुअली माइक्रोवेव्स की एप्लीकेशंस पर काम कर रही है, तो वहाँ पर हमें समझ आ जाएगा, रडार तुरंत डिटेक्ट कर लेगी कुछ गड़बड़ी है भाई। चलिए नेक्स्ट, दोस्तों आपको पता चल गया होगा MW नॉइस करेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट हमारी जो तीसरी करेक्टरिस्टिक है दोस्तों, उस पर चलते हैं, हाई एंटीना गेन एंड डायरेक्टिविटी। दोस्तों ये क्या कहता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों कि, दोस्तों सिंपल सी बात है कि जो माइक्रोवेव एंटीना का जो गेन है वो इसके इलेक्ट्रिकल साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल साइज क्या होता है, एंटीना का साइज तो हमें पता है, एंटीना छोटी या बड़ी कर दें तो उसका साइज हमें पता चल गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइज क्या है। इलेक्ट्रिकल साइज दोस्तों ये है कि एंटीना मान लो कोई फिक्स्ड उसकी जो है, हमने फिक्स जो उसकी लेंथ ले ली है, उसका साइज ले लिया है, उसमें कितने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अपने उसको दे सकते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसको दे देंगे वही होगा उसका इलेक्ट्रिकल साइज। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइज बड़ा होने का मतलब क्या है कि एंटीना का साइज छोटा हो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपने प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि गेन ऑफ द माइक्रोवेव एंटीना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इट्स इलेक्ट्रिकल साइज के, यानी थोड़ा सा छोटी सी एंटीना दे करके उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपने लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों बीम विड्थ ऑफ द एंटीना, एंटीना की बीम विड्थ। दोस्तों बीम विड्थ क्या होती है कि पावर लॉस से रिलेटेड एक टर्म है। अब दोस्तों अगर पावर लॉस ज़्यादा होगा, बीम विड्थ अगर पावर लॉस ज़्यादा होगा तो बीम विड्थ दोस्तों ज़्यादा होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर बीम विड्थ ऑफ द एंटीना ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल साइज कम होगा ना, क्योंकि पावर लॉस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल साइज कम होगा। चलिए दोस्तों, और दोस्तों जो उसकी एंटीना की डायरेक्टिविटी होगी ना वो भी जो बीम विड्थ है दोस्तों उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब क्या है दोस्तों, फॉर हाई डायरेक्टिविटी बीम विड्थ शुड बी लेस। तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिए फैक्ट्स, अब इसका हाई डायरेक्टिविटी और हाई एंटीना गेन कैसे निकलेगा देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी लेते हैं दोस्तों, अगर हम माइक्रोवेव्स की हाई फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं तो दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी पर हमें ये याद करना है कि जो बीम विड्थ है वो कम होती है दोस्तों। अब फ्रीक्वेंसी अब बढ़ा रहे हैं तो बीम विड्थ दोस्तों कम हो जाएगी। अब जैसे ही बीम विड्थ कम होगी दोस्तों वैसे ही क्या हो जाएगा, बीम विड्थ लेस होती है तो डायरेक्टिविटी हाई होती है। चलिए डायरेक्टिविटी वाला तो यही क्लियर हो गया कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे बीम विड्थ कम हो जाएगी, जैसे ही बीम विड्थ कम हो जाएगी वैसे ही हमारी डायरेक्टिविटी बढ़ जाएगी। चलिए ये तो अच्छा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जैसे ही हम इसकी बीम विड्थ को कम करेंगे तो इलेक्ट्रिकल साइज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल साइज बढ़ जाएगा तो दोस्तों गेन ऑफ द माइक्रोवेव एंटीना भी तो बढ़ जाएगा। तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया दोस्तों,
कि अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें, बीम विड्थ कम हो जाएगी, गेन भी हमें हाई मिलेगा और डायरेक्टिविटी भी हमें अच्छी मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों इसकी चौथी प्रॉपर्टी जो है लार्ज बैंड विड्थ। दोस्तों इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मान लो आपकी फैमिली में 9 लोग हैं दोस्तों, 9 लोग हैं आपकी फैमिली में और आपको सफ़र पर जाना है और आपको किराए की गाड़ी लेकर के जानी है, तो दोस्तों आप एक दो चॉइस आपके पास हो, एक तो आप मारुति लेकर के जाएं और दूसरा है आप बढ़िया सी कार, कोई भी अर्टिगा कार लेकर जाएं या कोई बढ़िया सी इनोवा गाड़ी लेकर के जाएं। तो दोस्तों आप बताइए कौन सी लेकर के जाएंगे, मारुति में 9 लोग कैसे बैठेंगी, इनोवा ही तो लेकर के जाएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर वही है कि जब हम माइक्रोवेव्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एक बड़ी सारी रेंज मिलती है वेवलेंथ्स की, वेवलेंथ की बहुत बड़ी रेंज है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक, 100 सेंटीमीटर से लेकर 1 mm तक, तो इतनी बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी रेंज है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, फॉर माइक्रोवेव्स लार्ज बैंडविड्थ एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर हमें बैंडविड्थ काफ़ी लार्ज मिलती है। अब जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ लार्ज होगी उसमें उतने ज़्यादा सिग्नल्स हम एक साथ भेज पाएंगे, तो इसका मतलब दोस्तों कि जितनी ज़्यादा लार्ज बैंडविड्थ होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्नल्स हम जो है ट्रांसमिशन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये होगी इसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है माइक्रोवेव्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़ लिए और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। तो दोस्तों हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द माइक्रोवेव्स। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो भी नई नई वीडियोज़ आती हैं दोस्तों उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।